मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक और बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही किसी कांग्रेस को स्वीकार कर ले, लेकिन मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक और बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर भूपेंद्र सिंह ने अपनी टिप्पणी कर दी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं करूंगा ये कह दिया है। पार्टी भले ही स्वीकार कर ले, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक दौर में पूरे खुरई में कांग्रेस का आतंक था, वहीं खुरई में कोई चुनाव फॉर्म तक नहीं खरीदता था और ऐसे दौर में मैंने चुनाव लड़ा, ये भूपेंद्र सिंह का बयान सामने निकल कर आ रहा है। अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा, लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती गई। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया और इस खबर पर हमारे साथ सूरज तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तो उनसे जानेंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, भले ही पार्टी स्वीकार कर ले। इस बयान के क्या मायने हैं सूरज? देखिए, इनका पूर्व गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, ऐसे में उनके बयान काफ़ी मायने रखते हैं। आपने अभी हाल फिलहाल भी देखा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कॉल डिटेल को लेकर भी ये कहा था कि उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और उसका मिसयूज हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बयान ये कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनका इतना आतंक था खुरई आसपास के इलाकों में कि कोई भी भाजपा कार्यकर्ता पार्षद तक का नॉमिनेशन नहीं करता था, सरपंच तक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में मैंने चुनाव लोकसभा भी पहुंचा, फिर विधायक भी बना और उस आदमी वो ये कहते हुए नजर है। बड़ी बात है, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उसमें वो ये तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि भले पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं को स्वीकार कर ले और भाजपा का बना ले, लेकिन मैं कभी नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। इसलिए स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब पुलिस के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था और किस तरह से हमला हुआ था। और साथ में वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस समय ऐसी स्थिति थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला करते थे, उस समय कितने संघर्ष के बाद हम यहां तक पहुंचे। ऐसे में उनका बयान काफी मायने तब रखता है जब लगातार कांग्रेस में बिखराव देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और एक और भूपेंद्र सिंह यह कहते हुए नजर आ रहे हो कि आखिरकार कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं को कभी भी पार्टी में स्वीकार, पार्टी स्वीकार करे तो करे, लेकिन मैं स्वयं कभी नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। इसका तो काफी इस बयान के मायने अब देखना ही होगा कि आखिरकार कांग्रेस के नेता इसमें क्या कहते हैं और भाजपा के नेता भूपेंद्र सिंह के बयान में क्या कहते हैं, जो भाजपा का आला कमान है वो क्या कहते हैं। लेकिन जी देखिए सूरज, उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और उपचुनाव के वक्त ऐसा बयान देना, जबकि कांग्रेस से आए मंत्री रामनिवास रावत ही बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में इस बयान का क्या मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, जिस तरह से इस बयान के मतलब काफ़ी निकाले जा सकते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं भुनाएगी भी कि जिस तरह से उनके नेता आपस में असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ से रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं विजयपुर विधानसभा सीट में, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भूपेंद्र सिंह जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, वो ये बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बयान को भुना भी सकती है कि बीजेपी के नेता आपस में ही मतभेद है बीजेपी के नेताओं में। एक तरफ तमाम नेता ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता आ रहे हैं बीजेपी में, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कुछ नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे नेताओं को। तो ऐसे में काफी मायने हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बयान को कैसे अपने से अलग करती है देखने वाली बात हुई।